डी ट्रिपल एस बी में 2024 में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, और इसमें बेटा हम थोड़ा सा रिव्यू इसका लेंगे कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज मेन मेन है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, अप्लाई कैसे करें डी ट्रिपल एस बी पे जाके। मान के चलें सबसे मुश्किल अप्लाई करना अगर कहीं होता है तो लगभग मान के चलें डी ट्रिपल एस बी में, बाकियों के मुकाबले कोई आपसे मिस्टेक ना हो इसके लिए इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। आप एक एक स्टेप बेटा देखते जाइए। देखिए इसमें बेटा एक तो कोर्ट में असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, आपकी 990 वैकेंसी है। इसका मतलब ये मत सोचिए कि आपको कोई लॉ वगैरह पढ़ना है, नॉर्मल आपका सिलेबस आता है हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग वाला। ऐसा 10 ग्रेड 4 में ये बेटा LDC से ऊपर होते हैं, 1647 वैकेंसी है। स्टेनो MTS LDC थोड़ी थोड़ी ये भी हैं। नर्सिंग ऑफिसर की 1500 है। NTT टीचर की जो वैकेंसी है पहली बार इतनी वैकेंसी आई है 1455, इसको भी बेटा ज़रूर अप्लाई करें। PGT और TGT लेवल पे भी भर्तियां आई हुई हैं, ठीक है। और इसके लिए बेटा तैयारी अगर करें तो आपका एप्लीकेशन नोटबुक एकेडमी, इस पे आपको लगभग सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। आप डी ट्रिपल एस बी जनरल बैच से LDC की, स्टेनो की, 10 ग्रेड 4 की, और जो टीचिंग वाले हैं PGT TGT इनकी, इनका पार्ट ए जो होता है, नर्सिंग ऑफिसर है तो नर्सिंग का सब्जेक्ट अलग आता है स्पेशलाइज, और उसका जो पार्ट ए आता है 200 नंबर का, उसकी तैयारी आपकी डी ट्रिपल एस बी जनरल बैच से हो जाएगी। इसके बाद मैं बात करूँ कोर्ट के लिए, तो कोर्ट के लिए जो सिलेबस है वो पूरा आपका 400 रुपये की फ़ीस में है, डी ट्रिपल एस बी कोर्ट बैच से आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, नर्सरी टीचर की अगर आप वैकेंसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मनु मैम इसमें पढ़ा रहे हैं और बाकी टीम नर्सरी बैच में। और जेल वार्डन में जो महिलाओं के लिए और मैटरन की वैकेंसी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, वार्डर की जो वैकेंसी आई हुई है ये बेटा वार्डन बैच में हम कवर कर रहे हैं। PGT और TGT के लिए बेटा मैं अगर बात बताऊँ आपको तो PGT TGT में भी हम कवर कर रहे हैं। PGT में हिंदी का बैच हमारे ऐप पे अवेलेबल है बेटा, और TGT में हिंदी के लिए और साइंस के लिए हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट का बेटा हम सोचेंगे जिस हिसाब आपकी डिमांड आएगी, आप बेटा लिख सकते हैं इसमें अगर आपको जो भी कोर्स चाहिए हो तो। अब हम बात करते हैं फॉर्म कैसे भरा जाए। आप डी ट्रिपल एस बी की वेबसाइट जानते हैं, डालिए DSSBOnline.NIC.in। इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा पेज आपका आ जाएगा। इसमें आपके सामने ऑप्शन है कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से ही किया हुआ है तो क्लिक हेयर टू साइन इन, ठीक है, दो ऑप्शन हो गए। अच्छा, एक बार आप रजिस्टर 5 साल पहले भी किया होगा ना तो ये वही रजिस्ट्रेशन से काम चल जाता है। तो पर अगर पासवर्ड भूल जाएँ तो क्या करें, फॉरगोट पासवर्ड पे क्लिक कर दें, अदरवाइज उसमें नया रजिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका 10वीं का रोल नंबर भी होता है। तो और वेबसाइटों की तरह नहीं है कि आप आराम से कर लेंगे, आप फॉरगोट पासवर्ड पे जाके ही कर पाएंगे अगर पहले रजिस्ट्रेशन किया है तो। अगर रजिस्ट्रेशन अभी करना है तो ये देखो बहुत सारी वैकेंसीज है, सेक्शन ऑफिसर की है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, PGT TGT, यहाँ भी आपको दिखाई देंगे ये वैकेंसी, देख लेना। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे तो आपको ये सब डिटेल भरनी पड़ेगी। देखो हर चीज़ दो दो बार ज़्यादातर मांग रखी है उन्होंने, जैसे आपका पहले नाम, फिर दोबारा नाम भरो, डेट ऑफ बर्थ, फिर दोबारा से डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़, 10वीं क्लास का रोल नंबर, आपको 10वीं आपने कब पास की थी, यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, आपको नेशनलिटी के बारे में बताना है, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम। स्पाउस नेम पे यहाँ पे कोई स्टार नहीं लगा हुआ तो कोई शादीशुदा ना है तो वो खाली छोड़ दे इस कॉलम को। अच्छा, मोबाइल नंबर है इसमें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हर चीज़ दो दो बार मांगी है इन्होंने। फिर वो क्या कहेगा, OTP भेजेगा, तो गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे तो आपका मोबाइल नंबर का OTP आएगा, ईमेल का भी OTP आएगा, दोनों OTP इसमें भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपने आपको आधार को एज एन आईडी प्रूफ आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो आपको यस क्लिक कर दें, इसमें नो करेंगे तो कुछ और मांगेगा। इसके बाद आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा और आपका नाम क्या है आधार में, एज इट इज़ वो नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद क्या है इसमें बेटा,
इसके बाद आप पासवर्ड कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिसमें ये अक्षर कुछ लगाने पड़ते हैं, एक बड़ा अक्षर, एक छोटा अक्षर, स्पेशल करेक्टर, एक दो तीन न्यूमेरिकल भी, फिर पासवर्ड यहाँ दोबारा से डालें, अंडरटेकिंग पे क्लिक कर दें, प्रीव्यू में क्लिक करके देख लें कि सारी डिटेल सही है कि नहीं, और फिर आप सबमिट कर दें तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा कि मैंने देख लिया है सब। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाए आपका, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपने, आपने करना है फिर साइन इन वाला ऑप्शन, कि अब मैं साइन इन करना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया है। साइन इन बेटा जब करना चाहेंगे आप, तो आपसे क्या मांगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, दसवीं का रोल नंबर मांगेगा, दसवीं का पास ईयर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, और ये कोड यहाँ पर डाल दें तो इससे साइन इन हो जाएगा। मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन नंबर में दसवीं का रोल नंबर भी होता है आपका। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल बेटा अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे नाम को मॉडिफाई करना है, फादर नेम को मॉडिफाई करना है, ये ऑप्शन आ रहे हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है ये, हाँ यहाँ पे क्या है, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन। ये देखिए, आपको पर्सनल डिटेल को एडिट करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, नई फोटोग्राफ, क्वालिफिकेशन, सबमिट फाइल, फाइनल एप्लीकेशन, स्टेटस चेक करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन है इसमें। चेंज पासवर्ड, सब कुछ, अपडेट रजिस्ट्रेशन डिटेल, सारा आपको एक ही जगह दिखेगा। अच्छा, जैसे ही इसने अप्लाई का पूछा तो यहाँ पे वैकेंसीज आ गई जिनकी डेट अभी पड़ी हुई है, जैसे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, LDC, दास ग्रेड 4, सेक्शन ऑफिसर, PGT, सब। आपको इसमें से यहाँ से देखना है, जहाँ भी आपको अप्लाई करना है अप्लाई नो पे क्लिक कर दें। आप एक से ज़्यादा में अप्लाई करना चाहते हैं, पहले यहाँ कर दें, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ कर दीजिएगा, फिर यहाँ कर दीजिएगा, आप अप्लाई करते रहें। इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पे आपकी बेटा पर्सनल डिटेल आएगी, पहले लिखी हुई, मोबाइल नंबर वगैरह सब, ठीक है, ये आप सब आपने देख ली। कैटेगरी इसमें सिलेक्ट कर दें आप, UR, OBC वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल दें, जो फिल नहीं हो रखा है उसको आप भर दें इसमें, और यहाँ पे डिक्लेयर कर दें कि सब कुछ सही है आपका। इसके बाद कहाँ जाऊँगा मैं, हाँ कुछ डिटेल यहाँ आ गई, यहाँ पे फ़ोटो की बात कर रहा है कि फ़ोटो को आप अपलोड कर दीजिए, चूज फाइल करके आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। सारा साइज वगैरह फ़ोटो का उस तरफ देख दे रखा है इन्होंने अपना, ठीक। इसके बाद क्या है बेटा, इसमें इसमें आपका साइन अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए, चूज फाइल, फाइल चूज करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर दें। क्रॉप वगैरह करना है तो क्रॉप यहाँ से कर लें, क्रॉप सिग्नेचर ऑनलाइन, छोटा बड़ा करना है आपको। ऐसे ही आपको लेफ्ट वाला थंब जो है वहाँ यहाँ पे अपलोड करना है, कोई कागज़ पे स्याही से, जो दूसरी पैड वाली स्याही आती है उससे यूँ करें, और उसके बाद फ़ोटो खींचें, वो आपकी इमेज यहाँ अपलोड कर दें, और ये राइट वाला थंब जो है आपका क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर दें, ठीक। अच्छा, इसके बाद बेटा यहाँ पे बार बार नेक्स्ट का ऑप्शन आता रहेगा, वो क्लिक करते रहना, तभी आप आगे जा पाओगे। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है कि जो पोस्ट आपने चूज़ की थी ना, उसमें तीन प्रकार की पोस्ट है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, जुडिशियल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, ऐसे करके। तो इसमें आपको सारी दे रखी है, एज वगैरह भी, जेंडर क्वालिफिकेशन है वो आप देख ले, और इसमें किस में अप्लाई करना चाहते हो, एक में करना चाहते हो एक में कर दें, आप तीनों में अप्लाई करना चाहते हो, लो तीनों में कर दिया। अब आपको फीस तीन गुनी लगेगी, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें यहाँ पे, ठीक है। और ये बेटा टाइपिंग शॉर्ट हैंड है ना, टाइपिंग तो बाद में भी सीख लोगे पेपर पास होने के बाद, शॉर्ट हैंड में टाइम लगता है तो वो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। आपने जो भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया है ना, उसकी आपको पर्सनल असिस्टेंट है तो उसकी क्वालिफिकेशन भरनी पड़ेगी अब आपको, ठीक है, नेक्स्ट करके। अगर आप तीन सिलेक्ट करेंगे तो तीनों की भरनी पड़ेगी बारी बारी से आपको। अब मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ इन्होंने दिखाया है कि देखो, इसकी जो क्वालिफिकेशन वो है, ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज हो, शॉर्ट हैंड हो, तो इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी आती आपको, आप बाद में सीख लेना, अभी से सीखना स्टार्ट कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। 100 रुपये तो लगते हैं फॉर्म के। अच्छा, इसके बाद क्या आया यहाँ पे, आपने कह दिया मैं ग्रेजुएट वगैरह हूँ, तो यहाँ पे फिर नीचे आएगा कि ग्रेजुएट हैं तो आपने किस से ग्रेजुएट किया, परसेंटेज कितनी थी, स्टेट कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, पासिंग ईयर और मंथ कौन सा था, और इंसर्ट पे क्लिक करते ही ये डिटेल अंदर आ जाएगी उसके, ठीक है। यहाँ पे टिक कर देना कंप्यूटर की नॉलेज है और शॉर्ट एंड स्पीड है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, अच्छा
ये पेज शायद रिपीट है, वही है सेम। इसके बाद क्या होगा, एक मिनट, ये पेज दो दो बार आ गया शायद। हाँ ठीक है, हाँ अब देखो ये सारी डिटेल आपकी आ गई है उस पोस्ट के रिगार्डिंग है, ऐसे अपनी डिटेल दिखा देगा, ये सारी की सारी डिटेल आ रखी है देखिए। हाँ आपने अप्लाई किया है उसमें डिसिप्लिन कौन सी, परसेंटेज कौन सी, ये देखो सारी डिटेल आपकी आ चुकी है ठीक है ना, किस यूनिवर्सिटी से किया था ये वाली। अच्छा इसमें आपको कोई एडिट करनी है पर्सनल डिटेल, फ़ोटो साइन वगैरह, वो भी ऑप्शन आ रखे हैं ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दो कि सब कुछ सही है ये वाला, और यहाँ पे ऑनलाइन कर दो सबमिट करने के लिए फाइनली कि आपको फ़ीस पे करनी है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें इसमें आपको पोस्ट अप्लाइड जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, सिलेक्ट कर लेना आपको ठीक है, और इसके बाद पे ऑनलाइन पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे ठीक, आपको पैसा पे करना है यहाँ पे। जैसे ये करेंगे तो ऐसा एक पेज खुलेगा, इसमें डिटेल आएगी, 2 रुपये लिखा हुआ है, टर्म कंडीशन है, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बेटा आपका, इसके बाद ये SBI पे लेके चला गया, क्योंकि कई सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड से करो, इंटरनेट बैंकिंग से करो, पेटीएम से करो, फ़ोनपे से करो, व्हाट्सएप से भी करो बताओ, और यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो UPI ID UPI की ओर यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। GST वाला छोड़ दीजिएगा, ये कोई काम का नहीं है। ऑर्डर समरी यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे 100 रुपये पे हो चुके हैं आपके ठीक है, हाँ या ऑर्डर कर रहे हैं आप ठीक है, ऑर्डर नंबर ये है। तो ये बेटा आपका लास्ट तक स्टेप था, इस हिसाब से कर पाएंगे। ये सारी वैकेंसीज की डिटेल बेटा आपको इसी चैनल नोटबुक अकेडमी पे वीडियो बना रखी है मैंने, उसमें जाके देख ले, सारी के बारे में मैंने समझा रखा है। और इसके रिगार्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो बेटा सारे बैच भी हमारे नोटबुक अकेडमी पे अवेलेबल हैं ठीक है। आपको कोई भी शंका रह जाए अगर तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, शंका ना रहे, वीडियो पसंद आ गई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो हमसे जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और फिर जॉब के इसी मुकाम को आगे बढ़ाते हैं।